ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक रीडिंग लेके आए हैं जो कि होगी आपके पार्टनर की एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए, और वो कुछ इस तरह का सवाल है हमारा कि क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब रीयूनियन चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनका कुछ एक्शन है। सो इस तरह की एनर्जी से रिगार्डिंग ये रीडिंग होगी, उनकी सोच कुछ इस तरह की देखेंगे हम फ्रेंड्स, और ट्राई करेंगे कि जितनी ज़्यादा एनर्जी निकल पाए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना है खुद के ऊपर, उसे उसी तरह से लें। तो इस रीडिंग में सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी, करंट एनर्जी, फिर हम देखेंगे क्या वो रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं, एंड देन लास्ट में हम उनके तरफ आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो रीडिंग को हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। बस एक और बात कि इसे अपने नाम राशि, मून, सन साइन, जिससे भी आपको रेजोनेट करे उससे देखें, और एक जनरल रीडिंग की तरह लें, और लास्ट पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे उस नंबर पे व्हाट्सएप पे पहले बात करूंगी, एंड देन हम टाइम स्लॉट बुक करके रीडिंग करेंगे। सो अब इस रीडिंग को करते हैं फटाफट स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो वर्गो राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, पर उससे पहले हम देखेंगे कि क्या उनकी एनर्जीज हैं करंटली। सो फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, आपके पार्टनर को तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट, दुख, ऐसा सा फील हो रहा है कि उन्होंने कुछ बहुत गलत करा है इस रिश्ते में। उनसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो उनको अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से उनको पता चलता है कि उन्होंने कितनी सारी बातें, कितनी सारी चीज़ें गलत करी, बट कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। अगर मैं करंटली देखूं तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को संभालें, बैलेंस करें, लेकिन अभी उनके अंदर क्या उतनी हिम्मत है, मुझे वो हिम्मत नहीं दिख रही। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वक्त पर छोड़ दी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ, मेरे पार्टनर के साथ ना समय ही इंसाफ करेगा। कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लगता है कि जो आज ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया है इनकी लाइफ में, उसका रीज़न भी ये खुद ही हैं। सो काफ़ी सारे वर्गों के पार्टनर्स की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, जहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस लिए थे पैसे को डबल करने के, या कुछ सट्टा शेयर मार्केट में लगाया, या कुछ ऐसा बहुत बड़ा, वहाँ भी इन्हें कुछ लॉस हुआ है, वहाँ पर भी चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे थे। सो ओवरऑल इन्हें अब ये लगता है कि वक्त और किस्मत मेरा अभी फ़िलहाल साथ नहीं दे रही, इसलिए मैं अभी शांत होकर, चुप होकर रहूं, ऐसा दिख रहा है इनकी तरफ से। ठीक है, देखते हैं क्या अब ये रियूनियन चाहते हैं, दूसरे डेक से देखेंगे क्या वर्गों के पार्टनर रियूनियन चाहते हैं, क्या वर्गों के पार्टनर रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द शैडो साइड। वर्गो, आपके पार्टनर रियूनियन के बारे में तो सोचते हैं, बहुत सारे रास्ते भी निकालते हैं अपने मन में, सोचते हैं मैं वर्गो को कैसे अप्रोच करूं, ऐसा क्या करूं, पर प्रॉब्लम वही आ जाती है घूम फिर के, इन्होंने जिस तरह का आपको धोखा दिया है, जिस तरह से आपको मैन्यूपुलेट करा है, इनके पास मुंह नहीं रहा आपके पास वापस आने का। आपको बार बार ये लगता होगा कि क्यों नहीं आ रहा, मैं तो माफ़ भी कर दूँ, मैं तो एक और चांस भी दे दूँ इसे, मैं इसके सारे गुनाह भूलने को भी तैयार हूँ। आप तो भूलने को तैयार हो, पर क्या वो भूलने को तैयार है अपनी खुद के गुनाहों को? वो नहीं भूल पा रहा वो इंसान। आप अगर ध्यान से देखो तो शैडो साइड के कार्ड से कहीं ना कहीं उनकी अपनी खुद की आत्मा उनको ये चीज़ें याद दिलाती है।
सो अब ये कितने भी मतलब जतन कर लें, कितने भी वो कर लें, इनकी खुद की जो एक ईमान है या खुद का जो दिल है, वही इन्हें वापस रिकनसाइल करने के लिए रोक रहा है, या कहें तो रीयूनियन करने के लिए कहीं ना कहीं एक गवाही नहीं दे रहा। क्योंकि किस मुंह से अगर कोई इंसान किसी के साथ धोखा कर दे, किसी थर्ड पार्टी को ले आए, या बहुत सालों तक पैसे से हेल्प ना करे, बच्चों के साथ छोड़ दे, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन में आप लोग आए हैं, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में है कि मैं चाहकर भी रिन्यूअल की तरफ कैसे बढूं। इस पर्सन के लिए अभी तो सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन ब्लैंक नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा मुझे हारा हुआ और थका हुआ एक इंसान नज़र आ रहा है, जो अपने ही जाल में, अपनी ही सिचुएशन में फंस सा गया है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो क्या करना चाहिए अब आपको ऐसी सिचुएशन में? आइए देखते हैं वर्गो आपके लिए डिवाइन क्या कह रहे हैं। सो व्हाट शुड बी डिवाइन गाइडेंस, क्या है आपके लिए वर्गोज के लिए? वर्गो, कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में, जैसे अगर आपने इस पर्सन की वजह से बिल्कुल प्यार से और एक रिलेशनशिप से मुंह फेर लिया है, आपको अगर ये पर्सन नहीं भी वो ऑनेस्टी दे पाया, तो आप कहीं ना कहीं प्यार से मुंह मत फेरे। आप अपनी लाइफ में न्यू लव को भी वेलकम कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे सुनसान और बेरुखा सा मत बनाएं। ठीक है, सो ज़रूर आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आएगा। दूसरा है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज। हाँ, जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस पार्टनर की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से, इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना। ये बदलाव हो सकता है आपको अच्छे लगे ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये अनएस्केपेबल रियलिटी है, ये आपको कहा जा रहा है। आपको अपने अपने आप को, खुद को प्रिपेयर करना ही होगा। सो एक्सेप्ट करें इस चेंज को। और दूसरा, आपके लाइफ में अच्छा टाइम और अच्छा पर्सन ज़रूर आएगा। अगर ये पर्सन आपके बारे में स्टेप नहीं ले रहा है, इसे नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ठीक है। सो ये है वर्गो आपकी रीडिंग, एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। ऐसा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।